दरभंगा घराने के पंडित रामचतुर मलिक का जन्म 5 अक्टूबर 1906 को दरभंगा जिले के ग्राम अमता में हुआ। पिता का नाम पंडित राजित राम मलिक था, जो दरभंगा रियासत के दरबारी संगीतज्ञ थे। बालक रामचतुर मलिक की प्रतिभा प्रारंभ से ही झलकती थी। दरभंगा में स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने पिता से संगीत शिक्षा प्राप्त करने लगे। बाद में अपने चाचा क्षितिपाल मलिक और रामेश्वर पाठक से संगीत शिक्षा प्राप्त की। पिता और चाचा से ध्रुपद धमार की अथाह बंदिशें प्राप्त हो गईं। 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला कार्यक्रम श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। सन 1924 में दरभंगा रियासत से आमंत्रण मिलने पर उसे सहर्ष स्वीकार किया। तत्कालीन महाराजा आपको हमेशा अपने साथ रखते और उनके गायन का आनंद लेते। उस समय बहुधा दरबारी संगीतज्ञों को बाहर गाने की अनुमति नहीं रहती थी, किंतु इनके साथ ऐसा नहीं था। आपको संगीत सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति सरलता से मिल जाती थी। सन 1936 में मुजफ्फरनगर के संगीत सम्मेलन में आपको एक सोने का मेडल और अन्य उपहार भेंट किए गए। 1937 में इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों का भ्रमण किया और अपने गायन से श्रोताओं को प्रभावित किया। रामचतुर मलिक चारों पट के गायक थे। आप जितनी कुशलता से ध्रुपद धमार गाते, उतना ही ख्याल और ठुमरी गायन में कुशलता दिखाते। आकाशवाणी के जन्म से ही अपना गायन प्रसारित करने लगे थे। सन 1953 से कई वर्षों तक गणतंत्र दिवस पर राजभवन पटना में आपका गायन होता रहा और आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपका गायन कई बार प्रसारित किया गया। अनेकों बार आकाशवाणी के वार्षिक संगीत सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपको आमंत्रित किया गया। सन 1957 में स्वामी हरिदास संगीत समारोह, बम्बई में सुर सिंगार संसद आदि आपको तत्कालीन गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, भारत के प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलनों में आपको निमंत्रित किया गया। मुख्य है ऑल इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल कोलकाता, गया, गौहाटी, मथुरा, बम्बई, पटना, ग्वालियर आदि। 21 अप्रैल 1970 को भारत के राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। सन 1983 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने आपको डीलिट की मानद उपाधि दी। जीवन पर्यंत आप संगीत के प्रचार प्रसार और संगीत की शिक्षा देने में लगे रहे, किंतु 11 जनवरी 1990 को इस नश्वर शरीर को त्याग दिया।